अरे विनती है मेरी तुमसे, विनती है मेरी तुझसे, इन नैनों के पट खोल रे। और सो रहा है क्यों तू लक्ष्मण, भैया भैया वो सो रहा है। सोचते हैं क्या, जब जाएंगे हम अवधपुरी को, अरे कैसे मुख दिखलाएंगे। और अवध के सभी नर नारी एक बात कहेंगे क्या, पत्नी वास्ते भाई खो दिया, अरे क्या कह के समझाएंगे। से चुकाऊं तेरे इन कर्मों के मोल रे, सो रहा है क्यों तू लक्ष्मण, भैया भैया बोल रे। महाराज जी को मन में याद करते हैं और कहते हैं, कहां गए कपिराज अभी तक, अरे बूटी नहीं लाए। बूटी नहीं Hey।
सो रहा है क्यों तू प्यारे भैया भैया बोले। आज का ग्राम ग्राम कार्यक्रम हमारा ग्राम ग्वारी में चल रहा है, जिसमें बहुत ही सुंदर ढोलक का वादन कर रहे हैं हमारे चंदू धाकड़, चमेटा बजा रहे हैं विजय ओझा और साथ में गायिका हैं कुमारी पूजा ओझा, बेंजू मास्टर हमारे राकेश भैया जो शिवपुरी से आए हैं। इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाएंगे हमारे गौरव त्यागी। सुबह होती है कार्यक्रम आपको गोलू ओझा स्टूडियो पे दिखाया जाएगा, तो आप जरूर देखें। और इस गीत को बहुत ही सुंदर लिखा है हमारी दीदी प्रतिमा पटेल जो उत्तर प्रदेश वाराणसी से हैं। देखिए आप शब्दों में कितनी ताकत है। प्रभु राम कहते हैं जन्म जन्म के रिश्ते नाते पल भर में ना तोड़े, क्योंकि भगवान सोचते हैं मेरे ऊपर इतनी विपत्ताएं आ रही हैं, लेकिन ये कैसा रिश्ता है जो मेरे साथ लखन ने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया मेरे साथ। तो हनुमान जी महाराज जी आ जाते हैं, बोटी को लेकर आ जाते हैं, जैसे ही लखन के मुंह में डाला घोट कर लखन जी खड़े हो जाते हैं। प्रभु राम कहते हैं जन्म जन्म के नाते पल भर में ना तोड़े, सो रहा है क्यों तू नचमन